क्या है स्टडीज का, हमारी डेफिनेशंस क्या थी एनवायरनमेंट की, उसके बाद कौन कौन से सोर्स थे, कौन कौन से कंपोनेंट है स्टडीज के, फिर स्कोप किया था हमने एनवायरनमेंट स्टडीज के, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव किया था एनवायरनमेंट स्टडी का, लाइक अवेयरनेस कैसे करनी चाहिए, कैसे सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, हम का हमारे मदर नेचर के साथ हमारा प्यार होना चाहिए, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। सो ऑल थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। फिर हमने नेशनल एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने WWF, ICSC इस तरीके से, फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात की थी, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट वर्ल्ड पीपल इन एनवायरनमेंट, दुनिया के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोसेस में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो इंटरनेशनल जो थे उसमें एक थे चार्ली डार्विन। चार्ली डार्विन एक उन्होंने जो स्टडी की थी वो नेचर के ऊपर की थी, 20 साल, 20 ईयर्स चार्ली डार्विन ने स्टडीज की। उनका जो पीरियड था 1831 से 1836, वो वाइकॉन्स की तरफ गए, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक शिप ली, शिप्स को लेके उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और देखा कि इस चीज को हम बचा सकते हैं। उन्होंने साउथ अमेरिका की तरफ गए, तो उन्होंने जो पर्टिकुलर इजलैंड थे उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसका बहुत ही क्लोज रिलेशन था हैबिट एंड हमारे स्पीशीज के साथ, हमारे एग्जिस्टेंस एनिमल्स के साथ, और उनकी इस बुक ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज, एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग। सो इस तरीके से इस रिप्रोडक्टिव प्रेशर्स एंड लिमिटेड रिसोर्स के साथ उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को एक नया आइडिया दिया, एग्जिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइफ। उसके बाद एक रैल्फे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ही वॉर्न अगेंस्ट द डेंजर्स टू अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या डेंजर्स है। हेनरी है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर देखना शुरू कर दिया, ही रोड वाइल्ड लाइफ बुक्स एंड मोस्ट पीपल्स डू नॉट केयर द नेचर, नहीं केयर करते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल मनी इकट्ठी करनी शुरू की और लोगों को अवेयर करवाना स्टार्ट कर दिया। जॉन आए, उन्होंने क्या किया, वो कैलिफोर्निया के अंदर रेडवुड ट्री थे जो बहुत पुराने ट्री थे जंगलों में, उन जंगलों में जो रेड वुड ट्री थे उसको बचाने के लिए उन्होंने एक लहर चलाई। तो उसने एक क्लब बनाया था, उसका नाम था सीरा क्लब, सीरा। तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन था एनजीओस का इन यूएसए में, अमेरिका में। एल्डोस आए, उन्होंने यूएस में 1920 में फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक ऑफिशियल सिस्टम तैयार किया, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई ताकि जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनको बचा सके। उन्होंने कहा कि थिंग्स इज राइट व्हेन इट टेंड्स टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, ब्यूटी और द बायोटिक कम्युनिटीज। ये तभी अच्छा लगता है, तभी अच्छा लगता है जब किसी को हम प्रिजर्व कर सकते।
उसके बाद रेहल आए। रेहल ने क्या किया, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे, पब्लिश किया नेचर ऑफ मैनकाइंड के साथ। तो रेहल शी वॉज द लेडी, शी इज राइट ए फेमस बुक दैट इज कॉल्ड साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग उनकी एक बुक है। एडवर्ड गोल्डस्मिथ, उन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाए वर्ड्स के ऊपर, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल्स के ऊपर। ही स्टार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी। उन्होंने इकोलॉजिस्ट कुछ व्यूज लिए, उन व्यूज को लेके उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल इन 1972, ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल। तो उसको ट्रांसलेट किया करीब करीब 17 लैंग्वेज में। तो उससे ये क्या हुआ, भी लोगों को जागरूकता आई, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। इनको देख के हमारे इंडिया में जय प्रकाश नारायणा, उन्होंने 1974 से 1975 आके यहाँ के फिलोसफी को अडॉप्ट किया और एक बुक लिखी, द सोशल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लार्ज डैम। तो इस तरीके से लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। एक और साइंटिस्ट थे ई ओ विल्सन, इन्होंने जो काम करना शुरू किया था बायोडाइवर्सिटी पे 1985 में, तो इसको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोलते थे पर्सन ई ओ विल्सन। तो ही रोट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन 1993 में। इस बुक को लिखते इनको बेस्ट बुक पब्लिशर का अवार्ड मिला, प्राइस मिला। और इन्होंने नेचर इकोसिस्टम को कैसे ठीक रखना है ग्लोबल लेवल पे बात करनी स्टार्ट कर। अब ये थे इंटरनेशनल, इंडिया में भी कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले थे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एसोसिएट हुए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। तो उन्होंने वहां पे फेमस बुक लिखी, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हमारे इंडिया में कौन कितने बर्ड्स हैं, कैसे बर्ड्स हैं, उनकी डिफरेंट स्पीशीज क्या है। फिर उन्होंने एक और बुक लिखी, फॉल इन स्पैरो। सो एवरी नेचुरल जो एंथुसियास्टिक थे उन्होंने उसकी उनकी बुक पढ़ी, कन्वर्सेशंस की हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इसके ऊपर काम शुरू किया। उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को ऑर्गेनाइज किया, इंडिया बिकम मेजर प्ले फॉर अफेक्टिव डू वर्क इन हर टर्न। सो उन्होंने BNH को, डेट इज द बनारस हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को फ्रीक्वेंटली इनिशिएट किया कि ताकि जो गवर्नमेंट की वर्किंग कर सके और हम एनवायरनमेंट को बचा सके। एसपी गोदरेज थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर नेचर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। ही रिसीव 10 अवार्ड्स फॉर हिज वर्क बिटवीन 1975 से 1999, और उनको पद्म भूषण भी मिला इस के ऊपर 1919 में। उन्होंने बताया हमारी जो फ्रेंडशिप है नेचर के साथ, ह्यूमन की नेचर के साथ फ्रेंडशिप है, वो एक मेजर रोल अदा करती है वाइल्ड लाइफ को बचाने। फिर MS स्वामीनाथन आए, उन्होंने एक फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा भी ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आ जाए तो हम इंडिया में एक मेजर पार्ट अदा कर सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर वेरियस एस्पेक्ट्स लिए, उन्होंने एक लैब अपनी चलाई, उस लैब का नाम था रिसर्च लैब का MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उसके हेड थे चेन्नई में। फिर माधव गैडगिल, माधव गैडगिल 1975
इकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया, बिहेवियर ऑफ मैमल्स के ऊपर स्टडी, बर्ड्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत सारे पेपरों में अपना लिखा गया, वो उन्होंने 6 books लिखी, और एक पर्टिकुलर जर्नल है लाइफ स्कैप ऑफ पेनिस्कुलर इंडिया, उस सीरीज थी, उसके वो एडिटर्स थे। एमसी मेहता जी आए, एमसी मेहता जी एनवायरमेंटल लायर थे, इस एक वकील होते हुए उन्होंने एनवायरमेंटल फेमस लायर बन गए। उन्होंने इस पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, एनवायरमेंट को लेके 1984 में एक रेवेन्यू चलाया, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी भी, जो हमारा ताजमहल है वो खराब हो रहा है, उसको बचाओ, ठीक है। फिर उन्होंने प्रोजेक्ट लिया भी हमारी जो गंगा है, नदी, गंगा नदी है, उसको वो क्लीन करें, उसमें इतना डस्ट पार्टिकल आ चुके हैं। फिर इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री का गंदा पानी, पानी इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल है वो पानी में मिल रहा है, हमारी नदियों में मिल रहा है, उसको बचाएं। ऐसे डिफरेंट इम्प्लीमेंट उन्होंने स्टार्ट किए, और इसको एक एजुकेशन प्रोग्राम लेके आए स्कूल और कॉलेज में, ताकि लोगों को, बच्चों को वो समझा सके। तो मेहता वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज एंड रमन मैगसेसे अवार्ड, उनको 2 अवार्ड मिले। अनिल अग्रवाल जी आए, अनिल अग्रवाल जी जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन 1982। उन्होंने एनजीओ की स्पोर्ट्स ली ताकि एनवायरमेंट को बचा सके। मेधा प्रकाश, मेधा पार्तिकर, ये एक रूरल इंडियन चैंपियन थे। मेधा पार्तिकर, शी इज ऑल्सो ए वुमेन, जिनको स्टेट इंडिया की तरफ से डैम ऑन नर्मदा नदी, उसके ऊपर लोगों को बताना शुरू कर दिया भी, ये जो हमारा डैम है ये अफेक्टेड हो रहा है, तो अगर हम इसके ऊपर कार्रवाई करें तो हम इसको बचा सकते हैं, नर्मदा नदी। सुंदरलाल बहुगुणा काफी फेमस हुए, बहुत फेमस हुए, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था चिपको मूवमेंट। तो इनका मानना था जो गढ़वाल है, टिहरी है, गढ़वाल है, वहां पे फॉरेस्ट में पेड़ पौधों को काटना शुरू किया। इन्होंने बोला भी ऐसे मत काटो, बचाओ हमारे जंगलों को बचाओ, हाँ जो हम अर्थक्वेक से बच सके। तो इन्होंने करीब करीब 20,000 किलोमीटर पैदल चले लोगों को सिर्फ अवेयर करवा। तो इन्होंने एक प्रोग्राम था डेट हेल्ड इन June 1982 लंदन में UNEP की मीटिंग हुई, उस पे इन्होंने ये अपना सुझाव बताया कि अगर हम एक्टिविटीज करें तो हम पेड़ पौधों को अपने बचा सकें। सो इससे माय डियर स्टूडेंट्स,